अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूं रजा मोहम्मद अल फरदान। वेलकम बैक टू माय चैनल। पहली चीज़, आप सभी को मेरी और मेरी टीम की तरफ से ईद मुबारक। तो भाई, जैसे कि आप लोग जानते हैं, फ़्लाइट्स की अपडेट देता जा रहा हूं मैं, और अल्हम्दुलिल्लाह कुछ फ़्लाइट्स हमने भी ऑपरेट की है, दिल्ली लखनऊ और एक दो फ़्लाइट हैदराबाद की, जो हम नहीं निकाले, दूसरे किसी और ने निकाले, उसमें हमने कुछ सीट्स ली थी। तो आज एम्बेसी ऑफ इंडिया ने एक अच्छा ऐलान किया है आप सभी के लिए, जो लोग हैदराबाद, दिल्ली, बिहार, बेंगलोर और मुंबई जाने की ख्वाहिश रखते हैं, उन सब के लिए ये एक अच्छी खुशखबरी होने वाली है। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, और जो मेरे चैनल पे नए हैं तो जाके सब्सक्राइब कर लेना। तो अभी हम चलते हैं एम्बेसी ऑफ इंडिया रियाद के ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट पे और जानते हैं कौन सी फ़्लाइट कब और कहाँ से। तो दोस्तों, ये है एम्बेसी ऑफ इंडिया रियाद का ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट। तो हम नीचे चलते हैं, तो जैसे कि देख सकते हैं, कुछ देर पहले एम्बेसी ऑफ इंडिया रियाद ने एक ट्वीट किया है, एयर इंडिया फ्लाइट्स अनाउंस इन फेस 5 ऑफ वंदे भारत मिशन फ्रॉम सऊदी अरेबिया। इसको हम ओपन करते हैं। तो एम्बेसी ऑफ इंडिया रियाद प्रेस रिलीज, August 1, 2020, द फॉलोइंग फ्लाइट्स ऑफ एयर इंडिया हैव बीन अनाउंस बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन फेस 5 ऑफ वंदे भारत मिशन फ्रॉम सऊदी अरेबिया स्टार्टिंग August 8, 2020। तो इन्होंने कहा है कि वंदे भारत मिशन जो 5 फेज चल रहा है, उसमें कुछ फ़्लाइट्स ऐड हुए जो कि 8 अगस्त से शुरू होने वाली है। तो हम जानते हैं पहली फ़्लाइट कौन सी और कब कहाँ से है, और साथ ही साथ उन्होंने इसका प्राइस भी बताया है कि कितना टिकट का पैसा लगेगा। तो पहली फ़्लाइट 8 अगस्त को है, एयर इंडिया की फ़्लाइट है दम्माम से हैदराबाद। जो नॉर्मल सीट्स होती है उसका प्राइस है 1300 रियाल, और जो बिज़नेस क्लास है उसका 2325 रियाल। और जो दूसरी फ़्लाइट है 8 अगस्त को, रियाद से बेंगलुरु की है, उसका जो फेयर है इकोनॉमिक क्लास 1300 और बिजनेस क्लास 2530। और जो तीसरी फ़्लाइट है 9 अगस्त को है, एयर इंडिया की फ़्लाइट है दम्माम से हैदराबाद, उसका जो फेयर है इकोनॉमिक क्लास जो है 1300 रियाल का है, और बिजनेस क्लास जो है 2325 रियाल का है। और जो चौथी फ़्लाइट है 10 अगस्त को है, एयर इंडिया की फ़्लाइट है जिद्दा से दिल्ली के लिए है, इकोनॉमिक क्लास जो है 1300 रियाल है, और बिजनेस क्लास 2430 रियाल का है। और जो पांचवी फ़्लाइट है 11 अगस्त को, एयर इंडिया की फ़्लाइट है रियाद से हैदराबाद के लिए, इकोनॉमिक क्लास जो है कि 1300 रियाल है, बिजनेस क्लास 2825 रियाल है। जो छठवीं फ़्लाइट है 13 अगस्त को, एयर इंडिया की है रियाद से हैदराबाद, इकोनॉमिक क्लास जो है 1300 रियाल की, और बिजनेस क्लास की सीट है 2825 रियाल की। जो सातवीं फ़्लाइट है 13 अगस्त को, जिद्दा से दिल्ली, दिल्ली से गया, यानी जिद्दा से उड़ेगी दिल्ली के लिए, वहाँ पर कुछ देर का वेट होगा, फिर गया जाएगी बिहार, उसका फेयर है 1300 रियाल नॉर्मल, और बिजनेस क्लास 2550 रियाल। आठवीं फ़्लाइट जो है 14 अगस्त को है, दम्माम से मुंबई, एयर इंडिया की फ़्लाइट है, इकोनॉमिक क्लास जो है 1300 की, और बिजनेस क्लास 2375 रियाल की है। जो नौवीं फ़्लाइट है, आखिरी फ़्लाइट 14 अगस्त को है, एयर इंडिया की है जिद्दा से दिल्ली, दिल्ली से अमृतसर, पहले जिद्दा से उड़ेगी दिल्ली के लिए, दिल्ली में कुछ देर का वेट होगा, फिर अमृतसर जाएगी, उसका जो फेयर है इकोनॉमिक क्लास 1300 रियाल और बिजनेस क्लास 2600 रियाल। तो टोटल 9 फ़्लाइट्स आने वाली है 8 अगस्त से 14 अगस्त के बीच में। तो जाइए जल्द से जल्द एम्बेसी ऑफ इंडिया रियाद के ट्विटर अकाउंट को फॉलो कर रही है, जब भी कुछ भी ऐसी इन्फॉर्मेशन आएगी आपको डायरेक्ट पता चल जाएगा। तो भाई, ये थे एम्बेसी ऑफ इंडिया रियाद का न्यू अनाउंसमेंट प्रेस रिलीज, जो कि हैदराबाद, दिल्ली, बेंगलोर, अमृतसर और मुंबई के लिए था। तो जल्द से जल्द जाइए एम्बेसी ऑफ इंडिया रियाद के ट्विटर अकाउंट को फॉलो कर लीजिए, और जो लोग मुझे फॉलो नहीं करते ट्विटर अकाउंट पे, यहाँ पर मैं अपनी आईडी दे दूँगा ट्विटर अकाउंट पे, आप जाके मुझे भी फॉलो कर सकते हैं। तो ये टिकट्स कैसा ले सकते हैं आप लोग? तो पहले तो एम्बेसी ने कहा था, भाई आप लोग डायरेक्ट जाके ले सकते हैं, बट आपको वंदे भारत मिशन का फॉर्म सबमिट करना ज़रूरी है। तो अगर किसी को वंदे भारत मिशन का जो फॉर्म कैसा भरते समझ में नहीं आ रहा, तो मैं अपने आई बटन में यहाँ पर अपनी एक वीडियो दे दूंगा, उसमें मैंने क्लियरली बताया कि भाई वंदे भारत मिशन का फॉर्म कैसा भर सकते हैं। तो आते हैं अभी प्राइजेस पे। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं, चार्टर फ्लाइट के जो प्राइजेस होते हैं वो ज़्यादा होते हैं, 500-600 रियाल ज़्यादा होते हैं। वो इसलिए होते हैं, भाई एयर इंडिया जो है, एयर इंडिया जो एयरलाइंस है, किसकी आपको अच्छे से पता होना चाहिए, वो गवर्नमेंट की फ़्लाइट है, उन्हें सब्सिडी मिलती है। आप लोग जानते हैं ना सब्सिडी किसको कहा जाता है, गवर्नमेंट के तरफ से कुछ पैसे एयरलाइंस को मिलते हैं, तो इस वजह से एयरलाइंस इंडियंस के लिए कुछ कम में फेयर रखती है। एग्जांपल, अभी 1300 की जो फ़्लाइट है, जो एक्चुअल प्राइस उसका होता है 1800-1900 रियाल, तो 1300 आपको पे करना होगा, बाकी का जो है वो गवर्नमेंट पे करेगी एयरलाइंस को। अब रही बात
चार्टर फ्लाइट्स जो प्लेन जो प्राइवेट फ्लाइट्स निकालते हैं वो लोग इतने ज़्यादा पैसों में क्यों देते हैं? तो वो इसलिए देते हैं भाई, वो अपने खुद के पैसों से वो चार्टर फ्लाइट रेंट पे लेते हैं, तो इस वजह से क्या होता है, उन आपको ज़्यादा फेयर देना पड़ता है, इसलिए ज़्यादा फेयर होता है। अब रही बात हैदराबाद की फ़्लाइट, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं चार्टर फ्लाइट में हम लोग दमाम से कुछ 1800 1850 में टिकट दे रहे थे, साथ ही साथ क्वारंटाइन का पैसा भी पे करना पड़ रहा था जो कि 420 या 450 के अंदर होता है। वो इसलिए गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना ने एक कंडीशन रखी है NOC देने के लिए, परमिशन देने के लिए चार्टर फ्लाइट्स को। आपको जितना भी कुर्सी रहेगी फ्लाइट में, जितने भी सीट्स रहेंगे, उसके एक एक के हिसाब से आपको क्वारंटाइन का पैसा पे करना होगा जो कि 8000 है, 8000 इंडियन रुपीस है। तो तभी हम आपको ये जो NOC है वो दे सकते हैं। अब मान लो आप फ्लाइट में 174 सीट्स रहते हैं, ओके, उसमें गवर्नमेंट ये नहीं देख रही है भाई उसमें कितने बच्चे हैं, उसमें कितने सीनियर सिटीजन्स है और उसमें कितने प्रेग्नेंट लेडीज़ है। बिकॉज एज पर द गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, उन्होंने कहा है कि सीनियर सिटीजन्स, बच्चों को, छोटे बच्चों को और प्रेग्नेंट लेडीज़ को क्वारंटाइन नहीं है। तो जहाँ तक मेरा सवाल है, गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना को भी ये चीज़ फॉलो करना ज़रूरी है होगा, बिकॉज़ वो लोग जब होटल में रह रहे ही नहीं तो वो लोग पैसा क्यों पे करें? अगर ऐसे ही बात है तो वो लोग जब आएंगे इंडिया को तो आप उनको पैसा रिफ़ंड भी कर सकते हैं। तो ये मसला होता है चार्टर फ्लाइट्स और एम्बेसी के फ़्लाइट्स में। एम्बेसी के जो भी फ्लाइट्स आते हैं उन्हें सब्सिडी मिलती है गवर्नमेंट की तरफ से, और जो चार्टर फ्लाइट निकालते हैं उन्हें कुछ सब्सिडी वगैरह नहीं मिलती, वो अपने खुद के पैसों से निकालते हैं, इस वजह से आपको इतना ज़्यादा फेयर आता है। और अब बोलेंगे लोग भाई जाके टिकट कहाँ से ले? जैसे कि जानते हैं अभी मैं बोला पूरे एयर इंडिया की है, आपके सिटीज़ में जहाँ जहाँ भी एयर इंडिया की ऑफिस है आप वहाँ पर जा सकते हैं। 3 या 4 दिन पहले आपको डायरेक्ट जाके लेना होगा। पहले तो एम्बेसी ने कहा था डायरेक्ट जाके ले लो, फिर बाद में कुछ टोकन सिस्टम आया, फिर बाद में एम्बेसी ने कहा, क्लियर कराया कि वो लोग ने जाके डायरेक्ट ले सकते हैं 3 दिन पहले से। तो होबार में जो है सिल्वर टावर्स के पास है, इंशाल्लाह जितने भी एयर इंडिया ऑफिसर्स के लोकेशन है मैं अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, आप जाके वहाँ पर क्लिक करके लोकेशन डायरेक्ट मालूम कर ले सकते हैं। तो ये है एम्बेसी के फ़्लाइट्स। और आते हैं एक ख़ास टॉपिक पे जो मुझे बार बार लोग को मैसेजेस या कमेंट्स करके पूछ रहे, भाई जो लोग अभी जा रहे हैं छुट्टी पे वो लोग वापस आ सकते हैं या नहीं? तो भाई सिंपल सी बात है, जब आप छुट्टी पे जा रहे हो तो लाजिम आप वापस आ सकते हो। कब आ सकते हो वापस बोले तो, जब इंटरनेशनल फ्लाइट्स खुल जाएंगे इन सऊदी में तो तब आ सकते हो। अभी ने अभी गवर्नमेंट ने कहा है कि जब तक ये कोरोना का जो है चल रहा है सिचुएशन, जब तक नॉर्मल नहीं होगा आप नहीं आ सकते हैं। बट इन्होंने ये नहीं कहा कि आप हमेशा के लिए नहीं आ सकते, कुछ टाइम के लिए नहीं आ सकते। और जो लोग वहाँ पर इंडिया में हैं जिसका अकामा एक्सपायर हो रहा है और जिसका एग्ज़िट री एंट्री ख़त्म हो रहा है, गवर्नमेंट ने उसको 3 महीने के लिए एक्सटेंड कर दी है। तो आप लोग को टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, जो लोग छुट्टी पे जा रहे हैं वो लोग ज़रूर वापस आ सकते हैं, और जो एग्ज़िट पे जा रहे हैं वो लोग ज़रूर नया वीज़ा लेके सऊदी अरेबिया को वापस आ सकते हैं। आई होप आप लोग का डाउट ये क्लियर हो गया होगा। और अब आते हैं और एक चार्टर फ्लाइट पे, 7 अगस्त को दम्माम से लखनऊ की फ़्लाइट है जो कि दम्माम वाले कुछ कॉरपोरेट कंपनीज ऑपरेट कर रही है, एम्बेसी की फ़्लाइट नहीं है, ये प्राइवेट चार्टर है। और 11 तारीख को दम्माम से दिल्ली की भी फ़्लाइट है जो कि चार्टर फ़्लाइट है। उसकी अगर फेयर आपको जानना है तो जाके मुझे FB पे यानी फेसबुक पे आप लोग मैसेज कर सकते हैं, या फिर इंस्टाग्राम ID पे मैसेज करते हैं, जो यहाँ पर IDs आ रही है उस पे जाके मुझे मैसेज कर सकते हैं। इंशाल्लाह मैं आप सभी को एक एक करके रिप्लाई दूंगा, और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने ये रिप्लाई भी किया है बहुत सारे लोग को। बस लोगों का ये एक सवाल होता है भाई, जब हम बोलते हैं दम्माम से फ़्लाइट है फलाना जगह के लिए तो आप लोग उल्टा बात करते हैं उससे। एग्जाम्पल के तौर पे जब मैं बोलता हूँ दम्माम से दिल्ली की फ़्लाइट है 7 तारीख को, तो मैसेजेस में आते हैं भाई क्या जिद्दा से फलाना जगह के लिए फ़्लाइट है? आपको जब मैं बताया हूँ दम्माम से दिल्ली की फ़्लाइट है उसके रिलेटेड ही बात करिए ना। अब रही बात जिद्दा रियाद की, तो भाई हम वहाँ से ऑपरेट नहीं करते, हमारे ऑफिसर्स जो है दम्माम में हैं, तो हम लोग दम्माम से ऑपरेट कर सकते हो। ये बात का बुरा मत मानो, ये आपके आपके लिए ही बोल रहा हूँ, आपका टाइम बचेगा इससे और मेरा भी टाइम बचेगा। तो ज़रा थोड़ा ख्याल रखिए, और भाई जिसके पास मेरे मोबाइल नंबर है अल्लाह के वास्ते रात रात भर फ़ोन मत करो भाई, हमारी भी कुछ लाइफ होती है पर्सनल लाइफ, और हमें भी सोना होता है। लोग दो दो तीन तीन चार चार बजे रात को कॉल कर रहे, तो भाई थोड़ा अवॉइड करिए इसे।
आपके लिए हम यहाँ पर बैठे हुए हैं, दिन में आप कभी भी कॉल कर लो, इंशाल्लाह हम उसका आंसर देंगे। तो भाई यही था आज की वीडियो में, होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो समझ में नहीं आया तो नीचे आके कमेंट्स में मैसेज करो, इंशाल्लाह मैं रिप्लाई देने की कोशिश करूँगा। चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलाम।